मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इब्राहिम भाई ने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल लिया। मुझे तो ये तवक्को थी कि वो अदालत में तुम पर इल्जाम की बौछार कर देगा, लेकिन उन्होंने तो सिरे से तुम्हें तलाक देने से ही इनकार कर दिया। जरूर इसमें भी उस आदमी की कोई नई चाल है। वो आप ही की वो रकम नहीं देना चाहता जिसका इन्होंने दावा किया है। हाँ, शायद ऐसा ही। लेकिन वो इस तरह केस से फरार नहीं हो सकते। आलिया, केस तुमने दायर किया है, अब अदालत की ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें वापस बुलाए। हाँ, तो अदालत पुलिस को भेज के भी उसे बुला सकती। क्या कह सकते हैं, ये तो अब अगली तारीख पर ही पता लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि अदालत उस दिन इब्राहिम साहब की आमद को यकीनी बनाएगी। बहुत उम्मीद लेकर आई थी आज, लगता है कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। आलिया, तुम्हें पता है ना कि ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन मैं इब्राहिम से अलहदगी में बिल्कुल भी ताखिर नहीं चाहती। पहले ही बहुत अजाब झेल चुकी हूँ। आपी, रिलैक्स। आप परेशान मत हो, आपको आपका हक जरूर मिलेगा। हाँ यार, हौसला रखो प्लीज। चले।